हाय गाइस, दिस इज सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया व्लॉग शूट करने वाली हूँ, क्योंकि इस वीकेंड में मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। सो मैंने सोचा जब बहुत कुछ है तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। सैटरडे की शुरुआत करेंगे एक एग्जीबिशन के साथ, बिकॉज आज मैं जाने वाली हूँ एग्जीबिशन जो दिल्ली में लगी हुई है हुनर हाट नाम से, एंड आई नो बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी जाके देख कर आए हैं। मैंने भी यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोस देखे, सो मेरा भी बन गया वहां पे जाने का कि कैसा है, क्या क्या वहां पे मिल रहा है, तो वहां पे जाएंगे। सो वहां पे जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। सो आज मैंने जो फेस वॉश यूज किया है वो मैंने वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश यूज किया है। एंड गाइज, मेरे पास इस रेंज के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश, टोनर एंड सिरम। एंड इस रेंज से मैं इतनी सुपर 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 इम्प्रेस्ड हुई हूँ, और मतलब आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मतलब स्पॉट्स से वो लाइटन हो गए सब कुछ, एंड देखिए सारे क्लीन हो चुके हैं। एंड इस फेस वॉश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, और विटामिन सी जिस चीज में आता है उसकी तो रंगत ही बदल जाती है। एंड ये हेल्प करता है फेड एज स्पॉट्स, रिड्यूस फाइन लाइंस, हेल्प स्मूथन कॉम्प्लेक्शन, ब्राइटन योर स्किन। सो बहुत बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद जो मैं यूज करती हूँ वो है ये विटामिन सी टोनर, आप बेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। मुझे कोई भी टोनर, मैं कोई भी लगाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इवन मुझे गुलाब जल भी मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो मुझे सूट नहीं करता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने सोचा एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, शायद वर्क कर जाए। मैंने बहुत ही डरते डरते इसको यूज किया, एंड ट्रस्ट मी, इसने बिल्कुल भी अभी तक मेरी स्किन को हार्म नहीं किया। मुझे ऑलमोस्ट 7 to 10 days हो गए इसको यूज करते करते, तो एक भी अभी मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। एंड इसमें जो की इंग्रेडिएंट है वो है लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल विद हेजल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, और ये भी आपकी स्किन को ब्राइटन एंड रिफ्रेश कर देता है बहुत ही अच्छे से। सो इसको मैं यूज करती हूँ कुछ इस तरह से। सो इसको मैं अच्छे से शेक करूंगी, एंड इसके बाद फिर मैं इसको आपको थोड़ा डिस्टेंस से अपने फेस पे इसके कुछ पंप्स लगाने हैं। आप देख सकते हो एक अलग सा ही ग्लो ऐड हो गया मेरे चेहरे पे, कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। अभी अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद मैं यूज करूंगी विटामिन सी सीरम वाओ स्किन साइंस का, एंड इसके भी मैं सिर्फ 2 pump यूज करती हूँ। गाइस, सीरम ये सब हमेशा हमें डैप करके ही लगाना होता है, क्योंकि अच्छे से हमारी स्किन में ये पेनिट्रेट हो जाए जिससे। एंड गाइस, इस सीरम को लगाने के बाद बस मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, और सनस्क्रीन बिल्कुल भी लगाना मत भूलिए अगर आप विटामिन सी सीरम लगा रहे हैं, बिकॉज ये एक मस्ट है, ये पैलर चलते हैं, विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन ये दोनों साथ में ही चलते हैं। सो अब मैं मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा के आपसे मिलूंगी अच्छे से एकदम पूरा रेडी होके। सो गाइस, फाइनली हम निकल लें एग्जीबिशन जाने के लिए, एंड इस समय पे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए गाइस, कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, और अभी तक हम एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाए, और हमें ऐसा लग रहा है बहुत जमाने से निकले हुए हैं। इतना स्लो ई रिक्शा मुझे दिख ही नहीं रहा है, कहीं दूर दूर तक पता नहीं कितना पैदल चल रहा है। फाइनली मैंने हुनर हाट घूम लिया, और हमने वीडियो भी शूट किया है। सामान इतना ज़्यादा था, स्पेस इतना ज़्यादा था कि मुझे उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा देखने को। एंड मैंने बहुत ढेर सारी शॉपिंग भी करी है, तो ये मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी मज़ा बहुत आई है, मुझे इतनी ज़्यादा मज़ा आई है, दिल्ली हाट से ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया यहाँ पे। मुझे ये लग रहा था मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, लेकिन फिर ज़्यादा लेने का कुछ मतलब भी नहीं बनता ना। सो गाइज, आज ये नए दिन की नई सुबह, बोले तो दोपहर है, ऑलरेडी 12:40 हो चुका है। कल हुनर हाट आने के बाद हम इतना ज्यादा थक गए थे, आपने हमारी लास्ट गेम्स में देखा ही होगा क्लिप में, कि हम इतना ज्यादा थक गए थे, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाय गॉड लग ही नहीं रहा है कि फेब का मंथ चल रहा है। ऐसा लग रहा था मैं मई जून में आ गई हूँ, तो बिल्कुल घर आके हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ। हमने आके चाय पी, फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत हमने सीरीज वगैरह देखी, और फिर हम सो गए। सो अभी मैं उठी हूँ, और अभी मैंने मतलब काफी पहले उठ गई थी सुबह, लेकिन अब मैं नहा धो के एकदम टिंच रेडी हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल्स ठीक कराने। सो गाइस, ये है मेरे नेल्स, तो अब मैं जा रही हूँ उनको ठीक कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, एंड एक तो ये चला भी गया है। सो चलिए अब मेरे साथ चलते हैं नेल्स ठीक कराने। सो गाइस, ये मैं हूँ, एंड ये मेरे नेल्स हैं, और मैं इनको जा रही हूँ ठीक कराने।
सो गाइस फाइनली मैं अपने नेल्स वगैरह कराकर आ गई हूँ और अभी मैं आलती पालती मार के बैठी हूँ। सो ये है फाइनल मेरे नेल्स का कलर एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो चलिए फाइनली शुरू कर दें कि मैं हुनर हाट से शॉपिंग करके क्या लाई हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको बोला था अपने ब्लॉग में कि जो भी मैं शॉपिंग करके लाऊंगी वो मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ज्वेलरी की। तो दो ज्वेलरी के पीसेस लाई हूँ मैं। सो फर्स्ट है ये वाला एंड ये मोर वाला इयर रिंग एंड बहुत ही प्रिटी इयर रिंग है, बहुत ही प्रिटी। इसमें इस तरह के दो मोर बने हुए हैं एंड ये ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे डार्क ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू है, नीचे पर्ल है एंड ऊपर एक कुंदन का वर्क दिया हुआ है। सो बहुत ही प्रिटी सेट है ये। जब आप इसको पहनेंगे तो यही सफिशियंट होगा और आपके लुक में चार चांद लगा देगा ये। एंड इसके बाद जो मैंने सेट लिया है वो थोड़ा सा कॉमन है लेकिन मुझे प्राइस में बहुत अच्छे मिल गया और आपको ये इंस्टा स्टोर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। वो है ये कुंदन का इयर रिंग। सो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी सेट है ये। इसमें ये ग्रीन कलर का है एंड ये ऊपर इसमें कुंदन का वर्क दिया हुआ है। सो ज्यादातर मैंने नीचे यहाँ पे पर्ल भी लगा हुआ है। सो ज्यादातर मैंने कॉमन कलर ही लेती हूँ मैं। इसे पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, रेड ब्लू, क्योंकि सब पे चल जाते हैं ये और बहुत ही एवरग्रीन टाइप्स के सेट हो जाते हैं ये। सो गाइस जो नेक्स्ट सामान है वो है ये इत्र। सो आप इसको अतर भी बोल सकते हैं लेकिन मैं इसको इत्र बोलती हूँ। इसमें भी वहां पे बहुत सारी है, पॉलिथिन फट गई तो नीचे गिर गया ये। एंड इसमें भी वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। सो अगर आपने मेरा हुनर हाट वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आप चेक करिएगा, बहुत ह्यूज वैरायटी थी और नाम बहुत ही यूनिक थे, मतलब बेगम, महारानी टाइप्स ऐसे नाम थे ये। एंड इतनी सी छोटू सी बॉटल ये मुझे 300 की मिली है, 300 की, लेकिन एकदम वर्थ है बिकॉज स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी लॉन्ग लास्टिंग है एंड द बेस्ट पार्ट ये रोल ऑन होते हैं। सो आप इनको आराम से अपने कान के पीछे, अपने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हाई पॉइंट्स होते हैं परफ्यूम लगाने के, आप वहाँ पे इजीली लगा सकते हैं एंड इसकी स्मेल बहुत टाइम तक नहीं जाएगी। वही कह रहे थे आप इसको अगर लगा लेंगे तो हफ्ते दस दिन आपके कपड़ों से स्मेल कहीं जाने वाली नहीं है। तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये। एंड अब जो थर्ड आइटम है वो है ये कुर्ती। बहुत ही प्रिटी कुर्ती है, बहुत ही प्रिटी ब्लैक कलर की। सो मेरे पास अभी प्योर ब्लैक कलर की कुर्ती में कोई भी कलेक्शन में नहीं थी जो मैं नॉर्मल पहन पाऊँ। एंड इसमें पूरे स्लीव्स में इस तरह का सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है। सो इस तरह का वर्क है एंड स्लीव्स में थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। बहुत ही प्रिटी लगी मुझे ये एंड इसमें काफी सारे कलर अवेलेबल थे। एंड गाइस जो फाइनल और सबसे हाईलाइटेड शॉपिंग आइटम है इसका और बहुत ही यूजफुल, वो है ये चटाई। ये चटाई, और ये नॉर्मल चटाई नहीं है, ये जो ऐसे मिल जाती है, बहुत ही स्पेशल चटाई है ये। सो इसमें इस तरह की इस तरह से इसको बांधा हुआ है। सो यहाँ से आप इसको ऐसे, सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप पिकनिक वगैरह में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही हैंडी है बिकॉज एक तरह से ब्रीफ केस में या तरह के शेप में आ जाती है एंड इस तरह के हैंडल भी है तो बहुत ही ईजी रहेगा। सो अगर आप मेरा हुनर हाट वाला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे मैं इसको ऐसे टांग के ला रही हूँ घर पे। सो यहाँ पे इस तरह के इसमें दो ये दिए हुए हैं जिससे आप ऐसे पेस्ट करके आप इनको चिपका लेते हैं। सो यहाँ से आप इनको निकाल सकते हैं एंड फिर आप इसको, काफी अच्छे साइज में है सो अगर आपकी बड़ी सी फैमिली है तो भी इसमें आके बैठ जाएगी इसमें। और ये कुछ फिर ये ऐसे हो जाती है, दो पोर्शन में डिवाइड है, फिर ये ऐसे हो जाती है, फिर आप इसको आप खोल लेंगे। सो कुछ इस कलर की चटाई है ये एंड इसमें देखिए इस तरह का कुशन है पूरा, अच्छा खासा इसमें फोम लगा हुआ है। सो बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल है। सो अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो आप भी इसमें आराम से सो सकते हैं, अपने गेस्ट को बेड पे सुला दीजिए और आप इसमें आराम से सो सकते हैं। सो बहुत ही ज्यादा सही है ये एंड मुझे बहुत अच्छी लगी, प्राइस बहुत अच्छा था। मुझे ये 1200 की कॉस्ट करी थी बट इन्होंने मुझे डिस्काउंट करके इन्होंने मुझे 1000 रुपीज में दे दी, तो मैंने कहा भाई अब तो बनता है लेना। बहुत ही सही प्राइसिंग मुझे मिल गई एंड अभी आप जिसे देख रहे हो हमारे ना बहुत ही खाली स्पेस है तो हम इसको आराम से बिछा के इसे बैठ सकते हैं। अभी मैं जमीन में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं फ्यूचर में इस पे बैठ के वीडियो शूट कर सकती हूँ। आप इससे बैठ के खाना वगैरह खा सकते हो, पिकनिक वगैरह पे आप इसको लेके जा सकते हो। सो बहुत ही मल्टीपल यूज है, अगर आप घूमने वगैरह के शौकीन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पिकनिक के लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है ये। ये जो मैट थी हाथों हाथ बिक रही थी एंड इसमें आपको दो तीन कलर्स मिल जाएंगे, कि ब्लू कलर था, रेड कलर था, पिंक कलर था। सो बट मैंने ब्लू कलर लिया बिकॉज एवरग्रीन कलर होता है ये। तो ये थी मेरी फाइनल शॉपिंग हुनर हाट से और आपको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सो मुझे ये भी बताइए आप में से कोई लोग अभी तक हुनर हाट गए हैं या पहले कभी गए हैं, बिकॉज मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये हुनर हाट का और वहाँ पे मैंने सुना कि इस बार हुनर हाट में प्राइसिंग बहुत ही कम थी कंपैरेटिवली, जो लास्ट ईयर पहले लगती थी तो इस बार की प्राइसिंग काफ़ी कम थी। सो अगर आप ऐसे हैं जो आप लास्ट ईयर भी गए हैं और आप इस ईयर भी गए हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
एंड खाने वगैरह का भी सामान वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो गाइज ये तो रहा मेरा सैटरडे संडे कुछ इस तरह से जा रहा है। आप लोग सैटरडे संडे में क्या स्पेशल करते हो प्लीज मुझे बताइएगा, या मैं ही अपना सैटरडे संडे ऐसे 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 करके निकाल देती हूँ। आप लोग क्या करते हो स्पेशल सैटरडे संडे में वो भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो अभी यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ के बाद जाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर थोड़ा आराम करूंगी, बिकॉज कल से मैं यू लगी हुई हूँ। सो गाइस चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। और जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। लॉट्स ऑफ लव, बाय।